बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ, और आज हमने जो लेसन करना है उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप एक्साइटेड भी हैं, आप और आपके टीचर्स बिल्कुल रेडी भी हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल अपना लेसन रेडी करके एक्टिविटीज लेके आपके लिए आई हूँ। तो किताब का सफर दिए टीचर्स, अगर आपने देख लिया है तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टेंगल, और स्किल्स है हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो डियर टीचर्स, यू नो कि किसी कॉन्सेप्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि हम आज इनको ये लव्स और इससे जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो इतना ज़्यादा बार बार रिपीट करके इनके साथ शेयर करें कि इनको इस लव्स को सुनते ही इनके जहन में जो इमेज है वो फौरन से बन जाए, और फिर उस जहन के इमेज को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ों के इमेज के साथ कनेक्ट करके बता सकें कि जो मुझे रेक्टेंगल सुन के समझ आया वो ये शेप है। सो टीचर्स, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग विद द चिल्ड्रन, गिव देम इनफ टाइम। ये प्ले ग्रुप है, ये छोटे बच्चे हैं, ये सुन भी रहे होते हैं, ये देख भी रहे होते हैं, ये समझ भी रहे होते हैं, लेकिन इनको आपको जो बयान करना है या एक्सप्रेस करना है वो इनके टोटली मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सो डोंट बी डिसहार्टेड कि अगर आज पहले दिन पे इन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, सेकेंड डे और बाय द टाइम थर्ड डे आपकी इंटरेस्टिंग और फन लविंग एक्टिविटीज की वजह से ये आपको रिस्पॉन्ड दे देंगे। सो कीप ऑन द पेशेंस एंड स्टे मोटिवेटेड। आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है, इट इज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, और हमारे दो ELOs हैं, रिकग्नाइज नेम एंड ड्रॉ टू डायमेंशनल शेप्स एंड आइडेंटिफाई शेप्स इन द एनवायरमेंट। सो इससे पहले प्यारे बच्चों आपने दो शेप्स सीखी थी, किस किस को उन शेप्स के नाम याद हैं और कौन हवा में उनको मुझे अपनी फिंगर की मदद से ड्रॉ करके दिखा सकता है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट शेप, हमने क्या सीखी थी? सर्कल। यस, सर्कल, वी वर गोइंग राउंड। कैन यू ड्रॉ सर्कल इन द एयर? सर्कल, वेरी गुड। उसके बाद हमने कौन सी शेप सीखी थी जिसकी शक्ल समोसे जैसी थी? ट्राइंगल। कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद योर फिंगर्स? लेट मी शो यू माइन। ट्राइंगल, यस, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, जो कि ये आपके सामने पेज भी तो आगे नजर। सर्कल में हमने टेबल, क्लॉक और फैन को हमने देखा था, उसके बाद ट्राइंगल में हमने एक माउंटेन को, समोसे को और पिज्जा स्लाइस की एक्टिविटी की थी। तो आज हम जो शेप करने लगे हैं वो इससे थोड़ी सी फर्क है, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ रिवाइज करें जल्दी से सर्कल, और सर्कल की एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट इज ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल? यानी थ्री साइड होती हैं, और कितने पॉइंटेड या कॉर्नर्स हैं? 1, 2, 3, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड्स। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्राइंगल, एंड द ट्राइंगल लुक्स लाइक द पिज्जा स्लाइस राइट हियर। ट्राइंगल, वन साइड, सेकंड साइड एंड द थर्ड साइड एंड 1, 2, 3 corners. लेकिन क्लॉक में we just go round and round and round and round and there are no corners to stop. Just like the clock here, going in round and round and in circle. आज की जो हमारी शेप है वो आपको एनवायरमेंट में नजर आएगी। अपनी क्लासरूम में डोर को गौर से देखें, क्या जो आपकी क्लास का डोर है वो ऐसा है या ऐसा है? एक साइड से लंबा, दूसरी साइड से थोड़ा सा छोटा। दिस शेप इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की है 4 sides, 1, 2, 3, 4, और इसके हैं 4 corners, 1, 2, 3, 4। अब इस रेक्टेंगल को भी देख लें जो हमारी डोर्स की एग्जाम्पल है, 1, 2, 3, 4, 1 corner, 2 corner, 3 corner, 4 corners.
वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड, फर्स्ट कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। तो टीचर्स इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करके आप जरा बच्चों को डिफरेंट रेक्टेंगुलर शेप्स के ऑब्जेक्ट्स कहें कि एनवायरमेंट में से आइडेंटिफाई कर लें। मे बी इट कैन बी कॉपी ऑन देयर टेबल और मे बी अ बुक या आपके क्लासरूम का जो व्हाइट बोर्ड है या आपकी क्लास में अगर LED लगी हुई है तो वो जिस जिस चीज को वो अपने एनवायरमेंट में से इस शेप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लेट देम डू इट। मे बी दे माइट फाइंड सम रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स तो वो भी इनको करने दें। लेट देम स्टार्ट बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेप रेक्टेंगल। और बच्चों रेक्टेंगल को जब आपने देखना है तो गौर से देखना है, इसकी टू साइड्स लॉन्ग है और टू साइड्स शॉर्ट है। टीचर्स वी आर गोइंग टू पॉज दिस वीडियो एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू कंपेयरिंग द साइज एंड द शेप फ्रॉम द एनवायरमेंट, सो प्लीज पॉज द वीडियो। एक्टिविटी के बाद ये टीचर्स अभी हम बढ़ेंगे आगे और कुछ रियल एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स को भी शेयर करेंगे। सो बच्चों भी आपने आसपास देखा क्लास में कौन सी चीज आपको लगी कि रेक्टेंगल है जिसके दो साइड्स लॉन्ग है और दो साइड्स उससे शॉर्ट है। डिड यू लुक एट द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू? जिनकी क्लास में राउंड टेबल है उनकी तो टेबल राउंड है, फिर वो अपनी टीचर के टेबल को ऑब्जर्व करें, क्या टीचर की टेबल की जो टॉप है वो रेक्टेंगल जैसी है? क्या क्लासरूम में जो डोर है वो रेक्टेंगल जैसा है? क्या क्लासरूम में जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है या आपको मेरे सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है क्या ये रेक्टेंगल शेप की है? बिकॉज इट हैज टू लॉन्ग साइड्स एंड टू शॉर्ट साइड्स। जी हाँ, वेरी गुड एंड वेल डन। तो मेरे पास पिक्चर्स है यहाँ पे एक विंडो की और ये है एक ब्लैक बोर्ड की पिक्चर। तो मुझे ये पिक्चर्स नजर आई। टीचर्स अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के तो बच्चों को आप वो भी दे सकती हैं कि जिसमें से वो आपको कोई पिक करके बताएं कि मुझे ये चीज इसमें इस शेप की लग रही है। तो इसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे हम अपने साइंस कॉर्नर में और टीचर आपको भेजेंगी अभी ग्रुप्स में या पेयर्स में जो ऐसे टीचर आपको कहती हैं। और आपने जाके क्या करना है, आपने रेक्टेंगुलर शेप के जो फ्लैश कार्ड्स हैं या कोई टॉयज हैं ऐसे जिनकी जो साइड है वो रेक्टेंगल जैसी है वो ढूंढ के लेके आने हैं। सो वीडियो को पॉज कर लें टीचर्स, अब यहाँ पे टाइम है इनको एंगेज करने का और जो कॉन्सेप्ट आप इनको समझा रही हैं वो देखने का कि कहाँ तक इनको समझ आया है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। टीचर्स रिसर्च की एक्टिविटी से एक चीज आपने जरूर ऑब्जर्व की होगी कि वो बच्चे जो रिस्पॉन्ड आपको सुनने में या बोलने में कम करते हैं वो ऐसी एक्टिविटी में आपको ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं। और वो बच्चे जो अभी डाउट में होते हैं किसी भी चीज को लेके दूसरे बच्चे की हेल्प से पीयर या फ्रेंड की हेल्प से वो उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उनसे अपनी बेबी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करके वो जो बात पूछना चाह रहे होते हैं वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी का ये फायदा होता है कि जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो बेहतर भी सीखते हैं और जरा कम्फर्ट लेवल से भी हम सीख लेते हैं। तो टीचर्स अभी आपने क्या करना है, इसी डिफरेंट रिसोर्स को जो बच्चों ने आपको आइडेंटिफाई किया है उसको यूज करना है। अगर बच्चों ने ग्रुप्स में कोई एक्टिविटी की है तो उनकी वो चीजों को अपनी टेबल पे ले आए या उनकी टेबल पे रख लें और एक एक उठा के पूछें बाकी क्लास की पार्टिसिपेशन से कि क्या ये शेप रेक्टेंगल है या नहीं है। यही एक्टिविटी आपके लिए सजेस्ट की गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और लेसन प्लान में भी कि आपने अब इस एक्टिविटी को शेप की रिकग्निशन के लिए कैसे कंटिन्यू करना एंड साइड्स एंड कॉर्नर्स ये भी आपने बार बार इनके साथ रीइंफोर्स करने हैं। किताब के सफ़े पे जो उनको दी गई है ये डिस्क्रिप्शन इनको फुल अच्छी तरीके से कम्प्लीटली समझ आ जाए ताकि जब ये खुद से करें घर जाके एक्सप्लेन या री एक्सप्लेन तो इनको पता हो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों को बयान करना है इस शेप को बताने के लिए। इसके बाद ये टीचर्स आप इनको एक आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी देंगी, सम कटआउट्स ऑफ रेक्टेंगल शेप और एक सजेशन एक्टिविटी के तौर पर। किताब पे एक इनको पेपर का रोबोट बना के दिया है मैंने, आपने इनको देना है चांस कि ऐसा रोबोट बना लें या अपनी पसंद का कोई रोबोट बनाना चाहते हैं तो वो बना लें, लेकिन ये होगा आपका लेसन का आर्ट क्राफ्ट आफ्टर दे आर डन द टास्क इन द टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो दे हैव आइडेंटिफाइड ऑल दिस शेप्स फॉर यू। सो वर्कशीट जो है नीचे जिसमें बच्चों ने कलरिंग करनी है, टीचर आप चाहें तो यहाँ पर कोई कलर कोडिंग दे सकते हैं, दे कैन आइदर कलर ऑल द रेक्टेंगल्स ब्लू और दे कैन कलर ऑल द ट्राइंगल्स येलो, जो आप इनको कलर कोडिंग दे इनको उस टास्क को कंप्लीट करना है। सो आज का लेसन रैप अप करते हैं। मुझे पता है बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं कि इन्होंने वो रेक्टेंगल शेप का रोबोट बनाना है। तो बच्चों आज की जो शेप है उसका नाम है रेक्टेंगल, इसके फोर साइड्स हैं। कैन यू ड्रॉ वन इन द एयर विथ मी? गुड।
There are four sides and four corners. Two sides are little long and two sides are a little shorter. So, ये दो differences teacher आपने बच्चों को जरूर clear करने हैं और keep on engaging them ताकि वो environment में आज ज्यादा से ज्यादा ये shape identify कर लें, class में भी, playground में भी और घर पे भी, so that you know what they are learning, they are able to identify. Take care and Allah Hafiz.